द्वारा गरीब असहाय महिलाओं को कारोबार के लिए अनुदान दिया गया, बैंक द्वारा चेक वापस कर दिए गए, इंसाफ की मांग। शक्ति पुत्री राजेश एवं मीरा देवी पत्नी जगदीश निवासी गणग्राम करगैना थाना सुभाष नगर, दोनों ही वाल्मीकि समाज से माननीय, दोनों महिलाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 50,000 रुपए का लाभार्थी के रूप में चेक दिया गया, जिसको उक्त बैंक कर्मी राजू मनीष एवं बैंक मैनेजर ने मिली भगत से दोनों से चेक वापस ले लिया। जब दोनों महिलाओं ने धन राशि की बात की, दोनों से बोल दिया गया कि बैंक खाते में पैसा आएगा, परंतु कोई पैसा खाते में नहीं आया। जब महिलाएं बैंक पहुंची तो उक्त राजू एवं बैंक मैनेजर द्वारा उनको साफ इनकार कर दिया गया कि ये कोई हराम का पैसा नहीं है, जो मुंह उठाकर चली आई सुन दे देंगे, अपने कागज लगाओ, जबकि दोनों महिलाओं के कागजात पहले ही जगा कर ले गए थे। महोदय, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसे ये बैंक द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। आपसे निवेदन है कि ऐसी बहुत सी महिलाएं होंगी जिनको इस तरह से धोखा देकर पैसा हजम किया गया होगा। यहां भी साफ साफ धोखाधड़ी का शिकार इन महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। हमारा संगठन आपसे मांग करता है कि पूरे बरेली में इन लाभार्थियों की सूची मांगने की जरूरत है, जिससे स्कैम का खुलासा अपने आप हो जाएगा। महोदय, दोनों वाल्मीकि समाज की महिलाओं के हक का पैसा वापस दिलाने की कृपा करें, अन्यथा बरेली में सैकड़ों वाल्मीकि समाज के संगठन आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। मेरा नाम अजय चौहान है और मैं भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित मोर्चे का उपाध्यक्ष हूँ। महानगर का डीएम ऑफिस आए, क्या मामला है? डीएम ऑफिस आया हूँ। आज ये मामला है कि माननीय योगी जी द्वारा समूह की जो महिलाएं हैं, जो अपना जीवन यापन करती हैं छोटे छोटे लघु उद्योग करके, उनको 50,000 रुपये का अनुदान दिया गया था। जैसे आपको पता होगा, बजट कुछ समय पहले योगी जी आए थे, उन्हें 50,000 रुपये के चेक काटे थे। तो मेरे साथ यहाँ पे जो मीरा जी हैं, इनको और ये शक्ति जी को 50,000 रुपये का चेक मिला था बड़ौदा ग्रामीण बैंक के द्वारा, लिस्ट में नाम था। तो हुआ ये कि जैसे ही योगी जी गए, इनसे चेक वापस ले लिए गए, ये कहते कि खाते में पैसा आएगा, लेकिन पैसा कोई खाते में आया नहीं। जब ये महिलाएं बैंक गई तो कर्मचारियों ने इनको बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करा। जब मैं वहाँ पे पहुँचा इनकी पैरवी करने के लिए, तो मैनेजर का ये कहना था कि आप मुझे जेल करवा दीजिए, मुझे कोई परवाह नहीं है, आप मुझसे अगर चाहते हैं पैसे की कोई मदद तो लोन लीजिए। तो मैं उनसे ये पूछना मैंने उनसे ये पूछा कि जब लोन ही इन्हें लेना था, तो ये अनुदान लेने के लिए इतनी भीड़ भड़का धक्के खाने क्यों गई? आप इनके अनुदान का पैसा इनको दे दीजिए। तो वहाँ पे जो एक मनीष हैं जिन्होंने इनके चेक बनाए थे, वो तो सामने ही नहीं आए, पास बनाए थे तो वो सामने ही नहीं आए। बैंक कर्मचारी एक हैं राजू, वह राजू और इनको मैनेजर है बैंक के, ये दोनों ने बहुत ही अभद्रता से बात करी। राजू का कहना था हमें जेल पहुँचा दो, हम देख लेंगे। तो आज करके लिए हमने पहले शिकायत माननीय कप्तान साहब से की थी, जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमने आज डीएम साहब से उसकी शिकायत की। तो साहब से मिले, क्या आपसे मिला आपको? डीएम साहब ने जो बैंक कर्मचारियों को सबसे बड़ा अधिकारी, उन्होंने बताया मुझे एलडीएम साहब को ये एप्लीकेशन रेफर की है और उनसे मिलने के लिए कहा है, अब हम उनसे ही मिलने जाएंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ रहती हो? तो क्या शिकायत है? शिकायत क्या जो ये अनुदान के 50,000 रुपये नहीं, वो बैंक ने जमा कर लिया, जब हम लोग गए थे वहाँ बोले कि वो एफिडेविट लगा जो है वो लोन तरीके से मिलेगा पैसा, मना कर दिया उन्होंने वहाँ। तो आपका मतलब नंबर आया था अनुदान में? हाँ, बना के दिया, पास बना के दिया था वहाँ। अच्छा, तो आपको मतलब आप वहाँ गई थी योगी जी के पास? पास भी है हमारे पास, पास भी बना है आपके पास। तो आप क्या कह रहे हैं वो लोग? आप क्या मना कर रहे हैं? मना कर रहे हैं, अरे लेना है तो ले, जैसे भी लोन होता उस तरीके से ले लो, मतलब कितना लोन सेक्शन हुआ था? 50,000 का। तो चेक कहाँ है? वो भाई जमा कर लिया उन लोगों ने, जमा कर लिया उसी समय, योगी जी दे भी गए वो भाई पे लेके, उन्होंने उसी समय जमा कर लिया। कितने लोग ऐसे हैं जो अनुदान मिला है जिन्हें? तो 5 लोग थे मेरे हिसाब से, बाकी मुझे पता नहीं उन लोगों क्या हुआ, लेकिन हम लोगों का जो चेक लेके जमा करना, क्या हुआ बताइए आप? वो एक लोन लेने गए थे वो, मतलब चेक मिला था मुझे योगी जी के यहाँ से, तो जब हमने जब चेक लेके बाहर आ रहे थे तो वो बैंक कर्मी ने ले लिया था मनीष ने, फिर बोले कि कल आके पेमेंट करा लेना। जब हम दोबारा गए थे तो हमने मतलब मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, दोबारा लोन लीजिए। जब दोबारा लोन लेने के लिए बोला था, हमने शिकायत भी की थी कई जगह, लेकिन कुछ भी नहीं भाई। तो अभी तक कोई आपकी मतलब सुनवाई नहीं हो रही है, कोई जाँच नहीं हो रही है अभी तक? कोई क्या चाहती हैं आप? तो चाहिए हमारा पेमेंट हो जाए।